आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने कंप्यूटर की हिस्ट्री और सही की जो स्पेस ज़्यादा हो जाती है वो कैसे डिलीट करते हैं, उसकी जो बैकअप फाइलें होते हैं वो दो तीन तरीके हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। आपने गौर से देख लेने हैं, उससे ये होगा कि आपकी जो हिस्ट्री जो है ना वो डिलीट करने से आपकी सही की स्पेस जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ पे आगे सिस्टम प्रोटेक्शन, ये देखिए यहाँ पे आपने करना है सी को सिलेक्ट, इसको ये आपने ऑन कर लेना है इसको, ठीक है। जैसे ये है ना, ये देखें ये बनाया, जैसे ये सी जो है ना इसको आपने करना है सी को सिलेक्ट करके, फिर आपने ये देखें यूजर्स, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ये मैंने अभी डिलीट कर दिया, यहाँ पे शो हो जाएगी जितनी भी आपकी बैकअप फाइल है यहाँ पे जीपी में एमबी में, ठीक है। आपने यहाँ पे डिलीट के बटन क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है और उस पर थोड़ी देर बाद क्लोज कर देना, ओके कर देना आपने, फिर ओके कर देना। ये तरीका सबसे पहले हुआ है, इससे आपकी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है ना वो खाली हो जाएगी। आपने पहले चेक कर लेना है अपना यहाँ पे ना कितनी आपकी स्पेस है, फिर आपने वहाँ पे जाके माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में वहाँ से आपने आप डिलीट करेंगे तो यहाँ पे देखना काफ़ी फर्क हो जाएगा। दूसरा तरीका है सी में जाएँ आप, फिर आगे विंडो में चले जाएँ और फिर उसके बाद टैब में, ये देखें यहाँ पर जो हिस्ट्री होती है मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी है, कंट्रोल या डिलीट पर क्लिक किया जिस कर दिया, ये आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपने टू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम में आपको करके स्किप करते जाए और साथ कंटिन्यू करते जाए, जिस खुद ही जो फाइल डिलीट होने थी वो खुद ही बताया जाना उसने खुद ही डिलीट होगी। यहाँ से फिर आपने यहाँ पर चले आना रिसाइकल बिन में, यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है ये फाइल कंटिन्यू, ठीक है। तीसरा जो तरीका है वो कंट्रोल पैनल में जाएँ, यहाँ से जाके आप ऑल कंट्रोल पैनल में चले जाएँ फोल्डर ऑप्शन, ठीक है। वहाँ से रिव्यूज, यहाँ से आपने शो हिडन फाइल्स, ठीक है, प्ले कर देना है आपने, इसको बंद कर देना है, इसको आपने नहीं जाने देना, दोबारा फिर आपने वापस हिडन फाइल जो है ना वो फिल कर देंगे माई कंप्यूटर, फिर दोबारा सी में आ जाए। यहाँ पे आपने चले जाना है जी यूज़र में, ठीक है। यूज़र में जाने के बाद आपने यहाँ पे देखें ज्वाइन, ठीक है, ऑप डेटा, उसके बाद लोकल्स, फिर ये टैंप, ये देखें ये कितनी बड़ी हुई है, इसको आपने करना है डिलीट, इसी तरह वही तरीका स्किप कर दें, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे आप सारे चेक कर लें जिस चीज़ में ये टेम्प की होगी ना, बस वही है मेन जो चीज़ हासिल, ठीक है। इसी तरह ये पब्लिक जो है ना यहाँ पे भी आप चेक कर लें, टेम्प बस वही है मेन जो है लोकल्स टैंप, वही है मेन जो ना आपका जो नाम जिस नाम से भी आपने वीडियो रखा हुआ यूज किया होगा उसी में आपने जाना है जॉइंस में, ठीक है। ऑप डेटा, फिर आगे लोकल्स, ये देखिए यहाँ पे टैंप, ये और ये जो तीन तरीके हैं सबसे बेस्ट तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा फिर आप हिट कर दें फाइल्स, ओके कर दें। इसी तरह हम गूगल क्रोम है उसकी भी हिस्ट्री ऐसी है, जब भी नेट ओपन करें गूगल क्रोम को नेट चलाना हो तो सबसे पहले जो आप करते हैं वो ये किया करें कि अपनी जो हिस्ट्री उसको डिलीट कर दिया करें, तो सबसे बेहतरीन तरीका हिस्ट्री जो डिलीट कर हिस्ट्री, यहाँ से आप ऑल टाइम कर रहे हैं जितना करना है, लास्ट वर्स वाली करनी है, 24 घंटों वाली, 7 डे वाली, 4 वीक्स वाली, मैं तो ऑल टाइम वाली करता हूँ,
यहाँ से क्लियर डेटा कर दें, डिलीट हो गया बस यही तीन चार तरीके थे इसके, ये मैं आपको बताना चाहता था। इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना आपको ऐसे अच्छी अच्छी स्किल बताता रहूँगा। इसी तरह मेरे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर भी करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको मज़ीद वीडियो जो है ना आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक्स वेरी मच।